तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सरकार ने 2105 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा की थी और उसे सर्वसम्मति से सहमति से पारित कर दिया। सदन में सीएम बघेल ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और रमन सिंह की 15 साल की सरकार को जमकर कोसा। जैसे विधानसभा सत्र शुरू हुआ, परसों तो श्रद्धांजलि निकला, कल प्रश्नकाल शुरुआत हुई। एक प्रश्न में अध्यक्ष ने बहुत ही उदारता पूर्वक 50 मिनट तक के उस सवाल को चलने दिया। मंत्री जी के द्वारा सारे उत्तर आ गए, उसके बाद वो गर्भगृह में आ गए और गर्भगृह में आ गए स्वयं निलंबित हो गए। बहुत होता तो उसमें बहिर्गमन करते, लेकिन विपक्ष का अपना निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल वो स्थगन ला सकते थे, लेकिन कल भी नहीं लाए और आज भी जिस प्रकार से उनका रवैया रहा, वो आज भी स्थगन में चर्चा नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो केवल मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए सारे कवायद उन्होंने किए। अनुपूरक बजट में देखिए, तीसरे जो लहर आ रही है देश में भी, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये जो ओमिक्रॉन है वो पैर पसार चुका है, देश में भी कई राज्यों में इसकी धमक सुनाई दे रही है, उसकी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जोर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग में भी बजट में है, शहरी क्षेत्र में भी जो आवास है उसके लिए भी बजट में है, और जो जल जीवन मिशन के लिए उसमें भी राशि दी गई है। 4 नए जो जिले बने हैं, 16 नए तहसील बने हैं, उसके स्थापना के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। सीधी बात है कि जो लगातार जो 3 काले कानून हैं जिसके बारे में राहुल जी लगातार बोलते रहे, किसान आंदोलन करते रहे, 14 महीने तक आंदोलन चला और तब इनको आंदोलन जीवी कहते थे, और 14 महीने बाद न केवल